यहाँ पर 1 केजी मटन लिए हैं, एक बड़ा कढ़ाई लिए हैं। अब इसमें डालेंगे मटन। मटन को कढ़ाई में रख लिए हैं। अब इसमें जाएगा 8 से 10 स्लाइस किए हुए प्याज। अब इसमें डालेंगे कुछ मसाला, हल्दी पाउडर 2 चम्मच, काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच, 2 चम्मच के हिसाब से कुटे हुए लहसुन, दरदरे कुटे हुए अदरक, नमक 1 चम्मच, तेजपत्ता, थोड़ी सी दालचीनी, कुछ लौंग, 7 से 8 छोटी इलायची, 2 छोटी चम्मच सरसों तेल। अब मटन में सभी कुछ को अच्छी तरह से मिला लेती हूँ। मटन में सभी मसाला को अच्छी तरह से मिला लिए हैं। अब इसे एक बर्तन में निकाल कर रख लेंगे। इधर प्रेशर कुकर को गैस पे गरम करके रखे हैं। इसमें डालेंगे 1 बड़ा चम्मच सरसों का तेल। तेल को गरम होते ही इसमें डालेंगे 3 से 4 तेजपत्ता, 1 चम्मच जीरा। जीरा हल्का चटक गया है तो इसमें जाएगा मटन। मटन डालकर अच्छी तरह से मिला लिए हैं। अब इसे 2 से 3 मिनट तेज फ्लेम पे इसी तरह बीच बीच में चलाते हुए भूनना है। कुछ मसाला जाएगा इसमें, जैसे तीखी लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच, धनिया पाउडर 2 से 3 चम्मच के हिसाब से, मसाला को मिलाते हुए मटन को 1 मिनट भून लेंगे। फ्लेम को मीडियम रखे हैं। मीट मसाला 2 से 3 छोटी चम्मच, काली मिर्च का पाउडर 1/2 चम्मच, जीरा पाउडर 1/2 चम्मच, 2 से 3 कटी हुई हरी मिर्च, मसाला को अच्छी तरह से मिला लिए हैं। अब मटन को ढककर 10 मिनट पकाएंगे। फ्लेम को मीडियम ही रखना है। दस मिनट मटन को ढककर पकाने के बाद इसमें डालेंगे थोड़ी सी हरी धनिया पत्ती, 1 पोट छिले हुए लहसुन, हरी धनिया पत्ती और लहसुन को अच्छी तरह से मिला लिए हैं। अब मटन को 10 मिनट इसी तरह बीच बीच में चलाते हुए भूनना है, ताकि मटन और मसाला अच्छी तरह से भून जाएंगे।
मटन और मसाला अच्छी तरह से भून गया है। आप देख सकते हैं प्याज का पानी जो था वो भी अच्छी तरह से सूख गया है। अब इसमें डालेंगे पानी 2 से 3 गिलास, वैसे आप अपना ज़रूरत के हिसाब से पानी डाल सकते हैं। गरम मसाला 1 चम्मच, गरम मसाला को अच्छी तरह से मिला लिए हैं। अब प्रेशर कुकर का ढक्कन बंद करके इसमें 4 से 5 सीटी लगाना है। प्रेशर कुकर में 5 सीटी लगा लिए हैं। अब गैस को कर देंगे बंद और प्रेशर कुकर को अच्छी तरह से ठंडा होने देंगे, फिर इसका ढक्कन खोलना है। ये मटन अच्छी तरह से पक चुका है। अब इसमें थोड़ी सी हरी धनिया पत्ती डालकर मिला लेते हैं। हरी धनिया पत्ती डालकर अच्छी तरह से मिला लिए हैं। अब मटन को सर्व कर लेते हैं। ये मटन करी बनके तैयार हो चुका है। अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल कर लें, ताकि मेरे आने वाले सारे नई रेसिपी का वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में। नमस्कार।